अब नया वर्जन ऑफ सैंडी देखने को मिल रहा है, और जो आग जो लेके ये आएगा पिच के ऊपर, ये छोड़ेगा किसी को नहीं, ये छोड़ेगा किसी को नहीं भाई। ये वर्ल्ड कप बड़ा एपिक होने वाला है, और इस वर्ल्ड कप में मैं आपको फिर बता रहा हूँ, वर्ल्ड कप में पहुंचे हो तो उसके स्पेल की वजह से, वर्ल्ड कप में किसी टेस्ट नेशन को बीट करोगे तो उसी के स्पेल की वजह से, याद रखना बात। और घंटे के कुछ आएंगे बरसाती मेंढक, आए हुए भी हैं और अभी और दोबारा आएंगे, वही बरसाती मेंढक इंडियन मीडिया के, जब ये सेलेक्ट हो रहा था एशिया कप के लिए तो इसके लिए हेडलाइन लगाते थे क्या कल्प्रेट लाइक, और ये वो कल्प्रेट के आगे उल्टा उल्टा वर्ड भी उन्होंने लिखा कि ये भी सेलेक्ट हो गया है वर्ल्ड कप एशिया कप के लिए, तो हमने उनका बाजा बजाया, तो उन्होंने फिर वो पोस्टें डिलीट की, उल्टी उल्टी बातें उसके खिलाफ लिखी, एजेंडे चलाए। अब वही पानी पानी पूरी आके हाथ धो रहे हैं उसके अंदर और सपोर्ट करने आ रहा। बड़ा शेमफुल पीपल यू आर यार, व्हाट काइंड ऑफ, मतलब क्या बोले यार, थूक के चाटने वाले लोग। कल तक गालियां दे रहे थे, कल तक सपोर्ट नहीं कर रहे थे, आज मतलब पता चला है तो सारे दोस्त यार बन गए उसके फौरन, मतलब ऐसे बने हो जैसे कुछ ये ही नहीं है। बट सैंडी को पता है मेरे सामने कौन था, मेरे बुरे वक्त में कौन था, मेरे अच्छे वक्त में कौन था। आज वो जब घर पहुंच रहा है तो उसको लाखों के उसके दोस्त यार दिख रहे हैं, बट जब वो पहले जा रहा था, अभी 4 दिन पहले जब जा रहा था अकेला था, कोई भी नहीं था, मैंने देखा वो जमीन पे बैठा हुआ था अपने लॉयर के साथ, मतलब कौन थे वो क्या थे, जमीन पे बैठा हुआ है वो जा रहा है, कोई पूछ नहीं रहा, क्या हालत की हुई थी उसकी, मेंटली कितना प्रेशर में था पता चला है। पारस भाई ने बताया, चतुर बहादुर ने बताया भाई, कि जब वो इमरजिंग एशियन गेम्स में जब भेज रहे थे एशियन गेम्स के अंदर, तो वो रो रहा था। आपने इमेजिन किया कि आपका बिगेस्ट स्टार रो रहा था, तो वो उन्होंने उसको बड़े लो पीरियड में देखा है, उस लो पीरियड के अंदर उसके साथ कोई भी नहीं था। आज तो सारे आएंगे ना दावत खाने, अरे सैंडी भाई जीत गए, वाह क्या बात है, मैं तो छुप पे बोलता था, ये सब करने आएंगे आज। बट उसको पता है कौन था कौन नहीं था, तो बड़ा अपने आप पे भी बड़ा प्राउड हूं मैं, आप सब पे भी बड़ा प्राउड हूं, और आप सब लोगों को मैं यही बोलूंगा भाई अपने पे बड़ा फक्र करो आज, क्योंकि आपकी बदौलत ये सब हो पाया, आप बाहर निकले हो तो हो पाया, वरना अगर हम नेपाल के मीडिया से या इनके पेजेस से एक्सपेक्ट करते तो हमने कुछ नहीं होता। एक पेज ने उसके खिलाफ उसके लिए ओपनली सपोर्ट नहीं किया, ना उसके लिए कोई वीडियो बनाई ना कुछ डाला, वो आईपीएल में बिजी है, वो घंटे के आईपीएल के बारे में पोस्टर लगाने में लगे हुए, किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया। बट वी आर वेरी प्राउड के मैं यहां से जो कर सका मैंने किया, आप लोग जो कर सके आपने किया, आप वहां पहुंचे, आपने प्रेशराइज किया कोर्ट को, और फाइनली डिसीजन हमारी फेवर में आ गया, और हमारी फेवर में क्या, जो करेक्ट था जो सही था उसकी फेवर में आया, और एक इनोसेंट को सजा नहीं हुई। जी भाई याद है ना मैंने क्या बोला था, इंसाफ फाइनली मिल गया है, मैंने बोला था ना पहले भी गाया था, एतबार भी आ ही जाएगा, मिलो तो सही रास्ता कोई मिल जाएगा, चलो तो सही चलो तो सही। सो भाई आज फाइनली विक्ट्री और जस्टिस सर्व्ड, मैंने पहले ही बोला था एतवार भी आ ही जाएगा भाई, मिलो तो सही, आओ केस लड़ो तो सही, बैठो देखोगे जज देखेंगे तो भाई आपको भी पता लगेगा ही इज इनोसेंट, और दुनिया को आज पता लग गया। मैं तो उन लोगों को कह रहा हूं जाके मुंह छुपा लो किसी दीवार में, किसी चुल्लू भर पानी में मुंह डुबो दो अपना, या डुबकी मार लो, जो इसके खिलाफ उल्टी उल्टी बातें लिख रहे थे, तुम्हें पता चला आज बिना किसी सबूत के बिना कुछ जाने उल्टी उल्टी बातें लिख रहे हो, कभी मुझे हेट दे रहे हो, जो इसको सपोर्ट कर रहा है उसको हेट दे रहे हो, उल्टी बातें उसके लिए लिख रहे हो, किसी की फैमिली पे जा रहे हो, किसी की कुछ पे जा रहे हो, बिना कुछ जाने कोर्ट ने बोल दिया ना इनोसेंट इसको आज। तो मेरे भाई अब किसको शक्ल दिखाओगे, किस मुंह से देखोगे अपने आप को, कैसे देख पाओगे अपने आप को शीशे में, यार लानत है तुम्हारे ऊपर, लानत है, सॉरी टू से आई एम यूजिंग दिस वर्ड बट लानत है। बिना कुछ जाने बैठे हुए हो दूसरे की बजाने, दूसरे का मतलब कोई भी आएगा किसी को पे इल्जाम लगाएगा चाहे वो फेक हो दुरुस्त हो ना हो, आप उसकी बजाना शुरू कर दोगे, उसका करियर खा जाओगे, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दोगे। आज पता लग गया ना तुम्हें कि भाई ही वॉज इनोसेंट, कौन देगा उसके वो 2 साल वापस, उसको कौन देगा उसका वो जो मेंटली प्रेशर उसने, उसकी फैमिली ने, उसके लोगों ने उसको, कोई उसे हाथ नहीं मिला रहा है, कोई उसको अनफ्रेंड कर रहा है, कोई उससे मैचेस छीन रहा है बिना कुछ किए, आज पता चला 2 साल बाद वो तो इनोसेंट था, उसने तो कुछ ऐसा किया भी नहीं था, तो किस वजह से उसके सारे मैचेस छीन लिए गए, किस वजह से उसको वर्ल्ड कप ना खेलने दिया गया, ना उसको एशिया कप में भेजा मेंटली प्रेशर के साथ, क्यों उसको वर्ल्ड कप स्क्वाड से पहले बाहर किया कि उसको बोलना पड़ा, पोस्ट डालनी पड़ी ताकि आपकी ऐसी की तैसी हो, उसने पोस्ट डाली, आपका सिस्टम हिला,
हमने यहाँ पे बात की, लोग बाहर निकले, सिस्टम हिलाया, आपने इंसाफ दे दिया, वरना आप तो 3-4 साल और खा जाते उसके। कौन लाएगा उसके वो 2 साल का गोल्डन पीरियड, उसकी पीक पीरियड को वापस? कौन लाएगा उसकी जवानी के वो जो 2 साल पीक के थे, वो कौन वापस देगा उसको? तो जितने लोगों ने उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी की, इतनी बड़ी साजिश की, उसके करियर के साथ खेला, उस पर इल्जाम लगाए, उसका इमेज खराब की, उसको मेंटली टॉर्चर किया, उसको उसको उसकी फैमिली को दर्द पहुंचाया, उनको आपने सजा देनी है ताकि वो दोबारा किसी के आगे ये ना कर सके। उनको इजीली छोड़ दोगे, वो फिर करेंगे, वो फिर करेंगे, वो फिर किसी नामवर बंदे के पीछे जाएंगे, वो फिर किसी नामवर बंदे की ऐसी की तैसी मचाएंगे, और फिर वो उससे निकल के छूट के निकल जाएंगे। बट दूसरा बंदा जिसपे, मतलब ये मैं कहता हूं, कोई लॉ ऐसा भी बनाओ कि मतलब कोई मैन प्रोटेक्टिंग लॉ कुछ होना चाहिए, कोई मैन क्या कहते हैं उसको, कि ह्यूमन राइट्स होता है ना, मेंस राइट भी कोई चीज होनी चाहिए कि जिसमें आप ये फॉलो कीजिए कि भाई के मतलब लड़कों की भी कोई लाइफ होती है, मतलब अगर आप किसी पे भी आके आप किसी ने कुछ बोल दिया, लोग तो बिलीव कर लेते हैं फौरन। 2 साल लग गए भाई को बोलने में, और मैंने जब पारस भाई के लिए भी पोस्ट पे बोला था कि भाई आपको पोस्ट करने की अभी जरूरत नहीं थी, आपको सैंडी का सपोर्ट करना था, देखा ना ये होता है। 10 दिन में लोगों ने कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट की उनके खिलाफ उल्टी उल्टी बातें की, 10 दिन नहीं लगे उन्होंने पोस्ट डाल दी, ये भाई साहब 2 साल से चुप बैठे। 2022 में ये आया था सीपीएल छोड़ के, छोड़ छाड़ के यहाँ आया, और यहाँ आया कि मैं, मुझे इंसाफ मिलेगा, तो क्या पता था ये तो मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे। सारा टाइम कंज्यूम किया, मेंटली प्रेशर किया, एशिया कप में भेजा प्रेशर के साथ, उल्टी उल्टी हेडलाइंस लगाई दूसरे लोगों ने कि भाई ये प्लेयर है, कोई हाथ नहीं मिला रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, तो बहुत ज्यादा प्रेशर था इसके ऊपर, बट फिर भी वो लड़ता रहा। 2 साल के बाद उसने अपना मुंह खोला है, जब इन लोगों ने वर्ल्ड कप के स्क्वाड से बाहर किया, उसने बोला इनफ इज इनफ, मैं अपनी क्या नाम है, जितनी साजिश है उसके खिलाफ खुद लड़ूंगा। और उसने चैलेंज किया था ना सारे ये सोशल एक्टिविस्ट को, तब पड़े तो लाओ सबूत लाओ, और एक काम करना, सबूत लेके आ जाओ ना जब, तो 8 साल मत देना, लटका देना। फट गई इनकी, एक प्रूफ नहीं मिला इनको, उल्टा वो इनोसेंट साबित हो गया। वेल डन। और सैंडी वाई 2.0 वर्जन इज कमिंग, ही विल मतलब डिस्ट्रॉय एवरीबडी भाई, जितना उसके अंदर एंगर है ना, मैं सैंडी भाई आपको मेंशन करके बोलता हूं, जितना एंगर है, ये बॉल है आपके पास, ये आपके हाथ है, ये आपके जो मैजिक है ना आपके इस हाथ में, इस उंगलियों में, ये मैजिक वहां दिखाना वेस्ट इंडीज में, मैंने आपको सीपीएल में देखा है, आपने बर्बाद किया हुआ उन पिचेस के ऊपर, मैं कह रहा हूं बर्बाद कर देना साउथ अफ्रीका को, बर्बाद कर देना श्रीलंका को, बर्बाद कर देना बांग्लादेश को, बर्बाद कर देना नेदरलैंड्स को, और किसी को नहीं छोड़ना, सबकी बैंड बजा देना। और अकेले पहले तो आपको 2 विकेट चाहिए, सिर्फ एक मैच के अंदर 2 विकेट चाहिए सैंडी भाई को, अगर वो 2 विकेट यहां लेते हैं तो वो फास्टेस्ट 200 विकेट हो जाएंगे एक मैच के अंदर, लेनी है उनको 98 पे, फास्टेस्ट 100 विकेट का रिकॉर्ड तो है। अब आपके पास वर्ल्ड कप का ही चांस है, आप वहां पे जाके करिए, और सारा गुस्सा उस बॉल के ऊपर, उस पिच के ऊपर, उस मैच के ऊपर निकाली, और सामने विकेट का डंडा देखी, और समझिए ये वही लोग हैं जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी की थी, उस डंडे की ऐसी की तैसी बजा कि मैं इस डंडे को तोड़ू।